तो विश्व के भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत अभी तक हमने कई सारे टॉपिक देखे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानचित्रण की क्लास मैं आप लोगों को लगातार करवाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य यह है कि मानचित्रण में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो और वर्ल्ड मैपिंग से जो भी क्वेश्चन बन सकते हो वो सब आप कर पाएँ एग्ज़ाम हॉल में। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री को लेने वाले हैं जो काफ़ी चर्चा में रही है इस समय, वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे प्रतिबंधों को झेल रही है, और वह है रूस। भारत का एक प्रमुख सहयोगी के तौर पे भी रूस है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रूस रहा है। तो रूस से दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं। देखो, एक चीज़ पहले तो रूस यूएसएसआर के तौर पे था, है ना, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था पहले, जिसको हम सोवियत संघ कहते थे। और सोवियत संघ जो है 26 दिसंबर 1991 में विखंडित हो गया, कई सारे देश बने उससे, और आज वो देश रूस के साथ संघर्षरत भी है, रूस के साथ सीमा साझा भी कर रहे हैं। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले, पहले तो हम रूस के बारे में देखेंगे कौन कौन से देश रूस के साथ सीमा साझा करते हैं और इसके आसपास की ज्योग्राफी क्या क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके बाद जो है सोवियत संघ को भी देख लेंगे इसी के साथ, ठीक है, हम लोग सोवियत संघ को भी देख लेंगे। तो देखिए, रूस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आप सब लोग ये चीज पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे नंबर एक है ये देश, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आपका भारत आता है क्षेत्रफल के आधार पे। तो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश, 14 देशों की सीमा साझा करता है रूस, 14 देश, और ये देश कभी पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अब तो नहीं है, मैं सोवियत संघ बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अमेरिका के साथ भी रूस की सीमा लगती है क्या? बिल्कुल लगती है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रूस की सीमा लगती है वो आपकी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है, बेरिंग जलसंधि है, बेरिंग जलसंधि साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है, तो अभी वो भी मैं बता दूंगा। और जापान के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, वो भी समुद्री जलराशि से इसकी सीमा साझा करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसकी सीमा साझा होती है स्थलीय तौर पे, टोटल 14 देशों के साथ सीमा साझा होती है। मैं 14 के 14 देश यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखाऊंगा, आप देख पा रहे हैं रूस है, ठीक है, अब 14 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। 14 देश कौन कौन से हैं? एक तो देखिए फिनलैंड है, यहाँ पे देखिए ये देश है आपका फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी एक करेक्टर रहता है ना आपका उसमें मनी हाइस्ट में, फिनलैंड के साथ सीमा साझा करता है। फिनलैंड के बगल में ही नॉर्वे है, ऊपर नॉर्वे, तो क्या नॉर्वे से भी सीमा साझा करता है? बिल्कुल, ओस्लो इसकी राजधानी है नॉर्वे के। स्वीडन के साथ रूस की सीमा साझा नहीं होती है, नंबर एक नॉर्वे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है आपका, ठीक है, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर की सीमा क्या रूस के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है। तो नॉर्वे फिनलैंड दो देश ये हो गए। अब यहाँ पे बाल्टिक राज्य हैं, कई सारे स्टेट हैं जिनको बाल्टिक राज्य कहते हैं, जिसमें से इस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, तीन स्टेट हैं, पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, ठीक है, तीन स्टेट हैं, पहला है इस्टोनिया, फिर लाटविया, फिर लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, पांच हो गए टोटल, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पोलैंड की सीमा रूस के साथ लगती है? हाँ, पोलैंड की सीमा भी रूस के साथ लगती है, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है रूस का ही है ये, यहाँ पे आप देखेंगे तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो कि रूस का हिस्सा है, तो पोलैंड की सीमा भी रूस के साथ लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बेलारूस है, बेलारूस तो आपको पता है कि एक अच्छा मित्र देश के तौर पे, और यूक्रेन में, यूक्रेन हमले में रूस के साथ जो है लगा हुआ है, रूस की मदद कर रहा है आपका। तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस, ठीक है। इसके बाद आपका यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, इसके बाद आपका यूक्रेन के साथ सीमा साझा हो रहा है, युद्ध चल रहा है इस समय, इसी कारण चर्चा में ज्यादा है। नीचे काकेसस कंट्री है आपकी, नीचे काकेसस कंट्री है, कंट्री है, 9 नंबर है जॉर्जिया और 10 नंबर है आपका अजरबैजान, इसके बाद फिर कैस्पियन सागर आ जाता है,
ठीक है, आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है क्या रूस? नहीं करता है, आर्मेनिया के साथ नहीं करता है, जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ करता है। इसके बाद यह है कजाकिस्तान, 11 नंबर में कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चाइना के साथ भी सीमा साझा होती है, चाइना के साथ एक हिस्सा लगता है और मंगोलिया के साथ हिस्सा लगता है। अब एक देश और है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया से भी यह सीमा साझा करता है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी सीमा साझा करता है रशिया। ये टोटल 14 देश हो गए। एक बार फिर से देखो, बहुत कठिन नहीं है। एक बार यदि मानचित्रण को थोड़ा सा आपकी समझ अच्छी है ना, दिमाग में मानचित्रण बैठा हुआ है ना, मेरा उद्देश्य है कि आपके दिमाग में मानचित्रण भर जाए, ठीक है, आपके दिमाग में मानचित्र पड़ जाए। इसीलिए मैंने वर्ल्ड मानचित्रण में इतने सारे टॉपिक आपके करवा दिए हैं, आगे भी करवाता रहूंगा। देखो नॉर्वे, अभी बाद में स्कैंडिनेवियाई कंट्री, नार्डिक कंट्री, उसको भी हम अलग से लेंगे। तो नॉर्वे, फिर इधर फिनलैंड, फिर इधर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, और यहाँ पे काकेशस देश हैं आपके, जॉर्जिया और अजरबैजान, आर्मेनिया, तीन देश हैं, लेकिन यहाँ पे जॉर्जिया और अजरबैजान की सीमा साझा होती है, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। ये है चीन के साथ, वो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले 14 देश, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है रूस विश्व की एक बड़ी पावर था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी रूस एक बड़ी पावर बन के उभरा यूएसएसआर के तौर पे। तो यूएसएसआर में टोटल 15 देश हुआ करते थे, रूस को जोड़ दें तो टोटल 15 देशों का एक महासंघ बनाया गया था, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का एक संघ विचारधारात्मक तौर पे। यहां पे आप देखिए, ये रेड कलर से जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पूरा यूएसएसआर का क्षेत्र है। अब यूएसएसआर अस्तित्व में नहीं है। यूएसएसआर बना कब था? यूएसएसआर बना था आपका 30 दिसंबर 1922 में, 30 दिसंबर 1922 में यूएसएसआर का जन्म हुआ आपका, ठीक है। और उस समय लेनिन थे आपके, है ना, 1917 में आपको पता है लेनिन के नेतृत्व में रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई थी, और जिसमें जार के शासन को उखाड़ फेंका गया था और साम्यवाद की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। एक सिविल वार की स्थिति रही 1922 तक, 1922 में सिविल वार खत्म हो गया रशिया में, और उसके बाद 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री का यदि आपके मतलब आईएएस में, यूपीपीसीएस में, लगभग सभी स्टेट में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सोवियत संघ का गठन, बोल्शेविक क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है ना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो वो तो अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको, बैच के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, है ना, जो ऑनलाइन बैच है, फाउंडेशन बैच है, वहां पर मैं करवा रहा हूँ, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको रशिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए सारे, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, नीचे जो है आपका जो है आर्मेनिया और अजरबैजान है, वो माफ करिएगा, जॉर्जिया और अजरबैजान है, आर्मेनिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, जॉर्जिया अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, मंगोलिया है और उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, उत्तरी कोरिया के साथ करता है। अब ये लाल रंग से जितने भी देख रहे हैं, टोटल 15 देश थे आपके, ठीक है, रूस को जोड़ देते हैं, टोटल 15 देश थे, अब 14 ही, मतलब 14 इसीलिए पड़ोसी देश है, सारे के सारे पड़ोसी देश विचारधारात्मक तौर पे आपके मतलब इससे जुड़े हुए थे, मार्क्सवाद, लेनिनवाद की विचारधारा, आपकी साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए ये 15 देश थे। इनका विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को ये खत्म हो गए थे आपके सारे के सारे। तो इसमें कंट्री जो यूएसएसआर का हिस्सा होती थी, रूस था, यूक्रेन था, आज जो यूक्रेन लड़ रहा है, पहले एक साथ हुआ करता था 1991 तक, अब तो कह रहा मैं नाटो में जाऊंगा, पहले वार्सा पैक्ट हुआ था यूएसएसआर के टाइम पे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब आपके हिस्सा हुआ करते थे, मध्य एशिया के देश भी आपके हिस्सा थे। मैं यहाँ पे नाम आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको नाम सारे के सारे देखने हैं। ये तो रशिया है आपका, रूस है, ठीक है, नीचे यूक्रेन है, यूक्रेन इसका हिस्सा हुआ करता था, रूस इसका हिस्सा हुआ करता था, इसके बाद ये वाले कंट्री जो आपके हैं एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक राज्य, ये भी इसके हिस्सा हुआ करते थे, बेलारूस इसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, बेलारूस भी इसका हिस्सा हुआ करता था, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मध्य एशिया के पांचों देश, मध्य एशिया के पांच देश थे मध्य एशिया में। देखो मध्य एशिया में पांच देश हैं, K2 T2 U, मैं अलग से एक बार पढ़ा दूंगा,
केस दो के हैं, दो के का मतलब है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, दो के हैं दो टी हैं, दो टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान, दो के का मतलब है कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और एक है आपका यू यानी उज्बेकिस्तान। ऐसे करके पांच देश हैं आपके, ये टोटल कितने कंट्री हैं, पांच कंट्रीज हैं, रशिया बेलारूस आर्मेनिया तुर्कमेनिस्तान एस्टोनिया यूक्रेन अजरबैजान किर्गिस्तान लाटविया मल्डोवा। अच्छा मल्डोवा भी था आपका, छोटा सा देश है आपका मल्डोवा, ठीक है, छोटा सा देश मल्डोवा भी है इसमें, मल्डोवा कजाकिस्तान तजाकिस्तान लिथुआनिया जॉर्जिया उज्बेकिस्तान। तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, अब आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको ये आइडिया होना चाहिए। मैंने ये वाला टॉपिक करवा दिया जिससे आपसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, ये तो मैं ओखोटस्क सागर आपको पढ़ा चुका हूं, यहां पे देखिए बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर का हिस्सा है चुक्की सागर, यहीं पे चुक्की सागर भी है, चुक्की सागर, तो बेरिंग जलसंधि है यहां पे, ये आपका रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा है, कमचटका प्रायद्वीप है आपका, है ना, यहां पे बेरिंग सागर है, कमचटका प्रायद्वीप है, ओखोटस्क सागर है आपका, यहां पे सखालिन द्वीप है, यहां पे सखालिन द्वीप है, ये तो आपका यहां से जापान चालू हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे बेरिंग जलसंधि जो है साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है, बेरिंग जलसंधि साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। प्रशासन कैसे चलाता होगा, जैसे चलाना होता है, इसमें कौन सी वो चीज है, वहां पे प्रशासन, पहले तो पाकिस्तान भी दो हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, प्रशासन तो देश के जैसा रूस का प्रशासन है उसी हिसाब से चलता है वहां पे। ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बिखरे हुए हैं, है ना, अमेरिका का एक हिस्सा प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है, बहुत दूर है, जिसका नाम है आप हवाई जानते हैं, हवाई वाला क्षेत्र, तो देश चलाएगा जैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, ये आपका यूएसएसआर और रशिया से जुड़ी हुई चीजें हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाकी चीजें और बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक इसके साथ मुझे कवर करवाने हैं। समय के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, इसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं आपका, ठीक है। अभी तो इस समय पुतिन है आपके, व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के और विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में से एक है, बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो रशिया और उसके आसपास के देश क्लियर हो गए सभी को, ठीक है, चलिए।